तो यहाँ से दोबारा से मैं इसको लोड कर लेता हूँ, और फिर मुझे वो एरिया लोड करना है जिस हिस्से का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। अब अगर मुझे इस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको मुझे क्या करना होगा कि यहाँ से स्निपिंग टूल यूज़ करते हुए यहाँ से मुझे क्लिक करना है न्यू के ऊपर। जैसे ही मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक प्लस साइन आ जाएगा, जिससे ये मुझे कहेगा कि इस स्क्रीन के किस एरिया को आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं। इसने पिछली स्क्रीन को कर दिया है फ्रीज़। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं इस तरह से इसको अपने रेक्टेंगुलर सोल्यूशन सिलेक्शन के अंदर ले लूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसके अंदर आप देखेंगे कि वो पूरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब जब स्क्रीनशॉट आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा इसका, मैं इसको सेव कर लूँगा। मैं यहाँ से सेव पर क्लिक करूँगा और ये मुझसे पूछेगा कि वेयर डू यू वॉन्ट टू सेव। तो अब मुझे मुझे बताना है कि मुझे इसे कहाँ सेव करना है। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ जहाँ पर भी। इफ़ यू वॉन्ट टू सेव इन डॉक्यूमेंट देन आई क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स। और अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे किसके ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ से जाके डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और ये हमसे कहेगा कि ठीक है आप डेस्कटॉप पे सेव कर लें। तो चूज़ योर प्रॉपर लोकेशन। अब डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट जहाँ भी सेव करना है वहाँ पर अगर आपके नाम का फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो एक फोल्डर बना लें यहाँ से क्लिक करके न्यू करके, और मैंने इसका नाम ले लिया स्क्रीन शॉट्स के नाम से मैंने इसका एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। जैसे ही मैंने फोल्डर क्रिएट किया तो यहाँ उसके अंदर डबल क्लिक करूँगा तो आई विल एंटर इन दिस फोल्डर। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने इस स्क्रीन शॉट का जो भी नाम रखना चाहता हूँ, सपोज टू बी नेविगेशन, मैंने इसका नाम रख दिया। और ये नेविगेशन के नाम से एक इमेज फाइल, यानी कि जिसको हम जेपीजी या पीएनजी फाइल की सूरत में सेव कर लेंगे। यहाँ पर जो फाइल क्रिएट हो रही है वो पीएनजी हो रही है, जिसका पूरा वर्ड होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो कि एक इमेज फाइल है जिसको हम ईजिली किसी से बाद में शेयर भी कर सकते हैं। एज सून जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेव कमांड के ऊपर तो ये हमारी पिक्चर सेव हो चुकी। लेटर ऑन अगर हमें कंफर्म करना है तो यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पर आएंगे सारी चीज़ों को मिनिमाइज करके, और देन फिर हम अपने उस फोल्डर को देखेंगे जो कि अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया था या पहले से क्रिएटेड था। और उसके बाद जैसे ही हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये इमेज इसके अंदर नज़र आ जाएगा, और नज़र आने के बाद एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करके इस इमेज को डबल क्लिक करके आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। फर्दर मोर अगर आपको अब इसको शेयर करना है तो शेयर करने के लिए देखें आपके पास कोई कम्युनिकेशन मेथड होना चाहिए, यानी कि आपका व्हाट्सअप आपकी स्क्रीन पर कनेक्टेड होना चाहिए कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ, या फिर आपके पास यूएसबी होनी चाहिए जिसमें आप इसको कॉपी कर सकें। तो अगर व्हाट्सएप पे इसको शेयर करना है तो देखें, जैसे मैं आपसे शेयर करता हूँ, यहाँ से क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने सर्च किया जिसके साथ मुझे शेयर करना है और उस पर मैंने क्लिक किया, जो वो मेरे सामने एक्टिवेट हो गया। रुक गया एक मिनट, ओके। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया जिसके साथ मुझे शेयर करना है, व्हाट्सएप मेरी स्क्रीन पे एक्टिवेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सर्च करने के बाद क्लिक किया उसके ऊपर, और यहाँ से मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, और यहाँ से क्योंकि मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो फोटोज़ एंड वीडियोस पे क्लिक किया। दोबारा ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ पर वो सेव है, तो मुझे फिर उसी लोकेशन पर जाना है कि भाई वो सेव है कहाँ पर जाके, डेस्कटॉप पर। तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा, किस फोल्डर में है, स्क्रीन के फोल्डर में है, और जैसे ही मैं स्क्रीन के फोल्डर में नहीं है, स्क्रीन शॉट के फोल्डर में, स्क्रीन शॉट के फोल्डर में जाऊंगा तो वहाँ पे वो इमेज मुझे नज़र आएगा। और फिर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए मुझसे पूछेगा अगर कोई कैप्शन लगाना है तो इस पर लगा दें, नहीं तो इसको डायरेक्टली सेंड कर दें। और ये इस तरह से आप अपना कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एरर या कोई भी रिज़ल्ट इस तरह से आप ईज़िली शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शेयर हमने रिज़ल्ट किया, आप में से कुछ लोग, कितने लोग जानते हैं कि व्हाट्सअप को हम अपने कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो तो ये काम इजीली कर लेंगे, जिनको नहीं आता फिर उनको मैं बताता हूँ उसको कैसे कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इमेज आप अपने स्क्रीनशॉट में लेके फॉर द मेमोरीज़, फॉर द रिमाइंडर्स और फॉर द शेयरिंग पर्पज़ के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं कि अगर इसको हमें यूएसबी में कॉपी करना होता तो कैसे करेंगे। तो आ डिवाइस जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, यूएसबी भी कहते हैं, वॉट एवर किसी भी साइज़ की, वॉट एवर किसी भी शेप की हो सकती है। ये देखिए वो डिवाइस है और इस डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप के साथ। ओके ये देखिए अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी यूएसबी पोर्ट के अंदर। तो यहाँ से जैसे ही यूएसबी पोर्ट पर मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा और ये इंसर्ट करूँगा तो ये मेरे लैपटॉप में कनेक्ट हो चुकी है। अब कनेक्ट तो हो गई लेकिन मुझे इसको एक्सेस कहाँ से करना है, तो याद रखिए विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 7 में तीनों में एक ही ऑप्शन आता है दिस पीसी का। दिस पीसी में से जाके आप इसको एक्सेस करेंगे। हाउ?
सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और देन जाके आपने कोई भी विंडोज़ एक्सप्लोरर का फोल्डर खोल लेना है, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर वगैरह। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। नाउ हम इसमें सर्च करेंगे दिस पीसी। तो यहाँ पर देखिए मैं जाके देख रहा हूँ दिस पीसी और मुझे नहीं मिल रहा है, ये रहा दिस पीसी। क्लिक किया यहाँ पे दिस पीसी पर, तो यहाँ पर देखें एक मुझे दिखा रहा है मेरे हार्ड ड्राइव सी ड्राइव पे, और दूसरे दिखा रहा है मेरा डी ड्राइव, और तीसरा दिखा रहा है डीवीडी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव नहीं दिखा रहा है। अब नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये डिटेक्ट इसने नहीं किया इसको। वंस अगेन मैं इसको निकालता हूँ और दूसरी पोर्ट में इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैंने दूसरी पोर्ट में इसको कनेक्ट किया है और थोड़ी सी हलचल तो हुई है। एक दफ़ा मैं इसको फिर से क्लोज करके वंस अगेन इसको लॉन्च करता हूँ। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से आता हूँ दिस पीसी पे। तो जैसे ही दिस पीसी पर आऊँगा तो आप देखेंगे कि एक और नई चीज़ ऐड हो गया है नीचे, ड्राइव का आइकन, यू डिस्क एफ, वॉट एवर नेम हो सकता है इसका, लेकिन आपने देखना पहचानेंगे कैसे कि ये आपकी यूएसबी है। देखिए पहले आपने वैसे ओपन करके देख लेना है, तो जो ड्राइव्स नज़र आ रही हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव्स, और उसके एडिशनल में जो भी ड्राइव आएगी वो आपकी यूएसबी या पेन ड्राइव की ही टाइप होगी। अब इसको ओपन करने के दो तरीके हैं, एक तो यो बिल्कुल बिगनर वाला तरीका है, यहाँ से डबल क्लिक करूँगा ओपन हो जाएगा, बट दिस मेथड लीड टू यू को इन्फेक्टेड वायरस वगैरह आपके आ सकता है, क्योंकि यूएसबी बिल्कुल एक इस तरह से सिरिंज की तरह होते हैं जो कि अगर एक इन्फेक्टेड पीपल को लगाई जाए और दूसरे इन्फेक्टेड पीपल को सेम लगा दी जाए सिरिंज, तो उसके अंदर भी वही डिजीज़ जो है सर्वाइव करने लग जाते हैं और वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका तरीका ये है ओपन करने का कि आप दिस पीसी को यहाँ नेविगेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन इसके सीक्वेंस पे सीधे आते रहेंगे तो ये लिंक्स दिखाता रहेगा। ये सी ड्राइव है जो इसको रिलीट कर रहा है, जो फिर रुक गया, ओके ओके तो ये सी ड्राइव है जो इसको लिंक कर रहा है, ये डी ड्राइव है जो इसको प्रेजेंट कर रहा है, और ये डीवीडी ड्राइव है जो इसको प्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह यू डिस्क जो हमारी यूएसबी को प्रेजेंट कर रही है। तो अभी हमारी यूएसबी के अंदर ये कुछ फाइल्स मेरी शो ऑफ हो रही हैं। अब मैं जाऊँगा अपने उस फोल्डर में जिसमें मैंने अपना इमेज रखा था स्क्रीनशॉट में। एक तरीका तो उसका ये है कॉपी करने का कि मैं राइट बटन उस पर दबाऊँ और उसको क्या कर लूँ यहाँ से कॉपी, और दोबारा से यहाँ पे जाऊँ और उसको क्लिक करके दिस पीसी पे लीड करूँ उस यूएसबी ड्राइव के ऊपर और उसके अंदर के कंटेंट पे राइट बटन दबाऊं और क्या कर दूं पेस्ट। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से पेस्ट कर दूं। तीसरा तरीका भी इसमें है कि कंट्रोल वी शॉर्ट की है जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पेस्ट कर दूं। तो दोनों तीनों मेथड से काम एक ही होगा। एक इसका और भी तरीका है शॉर्टकट तरीका, वो ये है कि जिसमें मुझे यूएसबी ड्राइव में आना ही नहीं पड़ेगा और मैं इसको कॉपी कर दूंगा। वो तरीका क्या है कि मैं इस फोल्डर में आऊँ, जिस फाइल फोल्डर वीडियो ऑडियो इमेजेस डॉक्यूमेंट्स को मैं अपनी यूएसबी में कॉपी करना चाह रहा हूँ उस पर राइट बटन दबाऊँ और यहाँ से जाऊँ किसके अंदर सेंड टू में। जैसे ही सेंड टू में जाऊँगा इट विल ऑटोमेटिकली शो द ड्राइव्स। ये आपका डीवीडी ड्राइव शो हो रहा है और इसके नीचे यू डिस्क का ड्राइव भी शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही इसको मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली इसकी एक कॉपी बनाएगा और कॉपी को सेंड कर देगा आपकी यू डिस्क के अंदर। ये देखिए ये यू डिस्क के अंदर इमेज आ चुका है। ये प्रोसेस समझ में आया नहीं आया? आ गया सही तरीके से। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर का कोई भी डेटा यूएसबी में कॉपी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सिमिलरली अगर कोई यूएसबी से डेटा लेना है तो कैसे लेंगे। अब यही मेरा डेटा है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई इमेजेस है जिसको कॉपी करना है अपने कंप्यूटर में, तो मैंने इसी मेथड को फॉलो करते हुए यूएसबी में आया, जो मेरा डेटा था मैंने उस पर राइट बटन दबाया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, कट कॉपी, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ होम में जाके यहाँ से भी कॉपी एंड कट कर सकता हूँ। अब इसमें करना क्या होता है, अगर कट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा और अगर कॉपी करेंगे तो इसकी कॉपी जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कट, और कट करने के बाद यहाँ से मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से मिनिमाइज़ करके अपने उस फोल्डर में जाता हूँ जिसमें मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ एक और फोल्डर में जिसका नाम है, यहाँ पे से हम क्लिक करते हैं सन, और सन में जाके मैंने खोला और यहाँ से जाके पेस्ट या फिर राइट बटन दबा के पेस्ट कर लूँगा तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा जिसको मैं व्यू में जाके यहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज करके आइकन्स पे देख भी सकता हूँ, ठीक है। और यहीं से मैं इसको अपनी यूएसबी ड्राइव को भी एक्सेस कर सकता हूँ और उसमें ये डिलीट हो चुका होगा। सही है, समझ में आ रही है बात ये। तो ये जर्नल ऑपरेशन ऑल टाइम हम अपने कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से इसको कर रहे होते हैं ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये आपका जो डेटा था यूएसबी वगैरह का कैसे कॉपी हो रहा है कैसे नहीं कॉपी हो रहा है ये भी हमने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं स्निपिंग टूल के बाद, एक और टूल है हमारे पास जिसका नाम है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड।
बैठ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है उसको हम कैसे लॉन्च करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ओ एस के टाइप कर दें, बल्कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को छोड़ते हैं, एक दूसरी कमांड जिसका नाम है डिस्क क्लीन अप। जैसे ही क्लीन अप की कमांड आप क्लीन लिखेंगे यहाँ सर्चिंग में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिस्क क्लीन अप। आप टाइप भी कर सकते हैं डिस्क क्लीन अप, और ये इसकी कमांड भी है क्लीन एम जी आर, ये भी लिख सकते हैं। ये कमांड कैसे काम करेगी, जैसे ही इस कमांड को आप परफॉर्म करेंगे, अक्सर आप अपने फ़ोन के ऊपर बार बार फोन क्लियर फोन मैनेजर चला रहे होते हैं, क्लियर फोन मैनेजर अननेसेसरी फाइल या डिलीटेड फाइल्स को डिलीट कर रहा होता है, ऐसे आप अपने लैपटॉप्स को भी प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर बेसिस पे करें, वीकली करें, आपकी मर्ज़ी। ये आपके हार्ड ड्राइव पे से अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव कर देता है। ओके करेंगे तो ये एक प्रोसेस चलेगा, ये आपको बता रहा है कि टेम्प्रोरी फाइल्स इतनी हैं, बाकी दीगर फाइल्स इतनी हैं, सब पर चेक लगा दें और उसके बाद इसको कह दें ओके, तो ये आपके कंप्यूटर में अच्छा ओके ओके चलो कोई बात नहीं। ओके यहाँ से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद क्लीन लिखते हैं हम यहाँ पे, सर्च करते हैं, डिस्क क्लीन अप की कमांड लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ से आप अपनी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, जस्ट ओके करेंगे, ये आपको बताएगा कि आपके पास ये फाइल डिटेल है, टोटल इनका यूटिलाइजेशन इतना है, और जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे, डिलीट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, तो ये खुद ही आपके कंप्यूटर में से अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देगा। इसको आप फर्दर एक दिन में, दो दिन में, या जब भी कंप्यूटर शटडाउन करें इसको रन करते रहा करें। एक और कमांड है जिसका नाम है डीफ्रैगमेंट, तो जैसे ही आप तो डीफ्रैग के नाम से इस कमांड को सर्च करेंगे, डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, तो जैसे इस क्लिक कमांड पे क्लिक करेंगे ये एक प्रोग्राम आपके सामने खुल जाएगा, ये आपके हार्ड ड्राइव को दोबारा से फ्रैगमेंट करेगा, मतलब उसके दोबारा से रीअरेंज करेगा, रीऑर्डर करेगा, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड भी इंप्रूव होगी और आपके हार्ड डिस्क की हेल्थ भी बेहतर रहेगी। तो अपने लैपटॉप पे ये कमांड हर तीसरे दिन या पाँचवें दिन ज़रूर रन किया करें। पहले सी ड्राइव पर रन कर लें, ऑप्टिमाइज़ कर लें, यहाँ पे जैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे ये इस पे रन हो रहा है और हो चुका। डी ड्राइव पे क्लिक करें, ऑप्टिमाइज़ कर लें, इस पर भी हो चुका। माइट बी कि आपके लैपटॉप पे ये प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो बातें आती है। हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में दो तरह की हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हैं हम लोग, एक होती है नॉर्मल हार्ड ड्राइव जिनको हम ATA या SATA हार्ड ड्राइव कहते हैं, उन हार्ड ड्राइव में लगी हुई होती है मोटर की वजह से उन हार्ड ड्राइव की जो रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड होती है स्लो होती है, जिस वजह से हमारा लैपटॉप थोड़ा स्लो काम करता है, और ये पूरी पुरानी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं जो शुरू से कंप्यूटर साइंस में चली आ रही है। फॉर फर्दर जब से मोबाइल मार्केट में इन हुआ तो एक नई किस्म की हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस कराई गई जिसका नाम रखा गया SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो बिल्कुल आपकी USB कार्ड और मेमोरी कार्ड इस पे डिपेंड करती है, और उसके अंदर मोटर नहीं लगी होती, उसमें डेटा जो सेव होता है वो उस चिप के अंदर सेव होता है, और उसकी स्पीड पुरानी हार्ड ड्राइव जो हमारे लैपटॉप में लगी होती हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा होती है, 10 गुना ज़्यादा होती है। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ वो फ़ौरन से कर लेता है, लेकिन अगर इसकी जगह पे मेरी वो पुरानी वाली हार्ड ड्राइव लैपटॉप में लगी होती तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते इसको अरेंज करने में, ठीक है, क्या लगते 10 से 15 मिनट। तो अब ये पुरानी हार्ड ड्राइव और नई हार्ड ड्राइव का फ़र्क नहीं है, ये दो टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। लेट सपोज़ अगर हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर लें अपनी बात को, गाड़ी तो गाड़ी है, एक मेहरान गाड़ी है, एक विड्स गाड़ी है। अब विड्स गाड़ी में और मेहरान गाड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, प्राइस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, परफॉर्मेंस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन दोनों कंसीडर कार ही की जाती हैं और फोर स्ट्रोक में होती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये बात है, SSD हार्ड ड्राइव 128 की तकरीबन 3000 रुपीज़ की है, जबकि एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव 320 GB की आपको 1000 रुपये में मिल जाती है। तो प्राइस का वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस उस एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव से उसकी 10 गुना ज़्यादा होती है। और ये फीचर हम अपने लैपटॉप में जब चाहें ऐड करवा सकते हैं, अगर लैपटॉप स्लो काम कर रहा है तो ये आप हार्ड ड्राइव लगवा लें उसके अंदर, और आपका लैपटॉप पहले से 10 गुना तेज़ काम करने लग जाएगा जैसे आपका मोबाइल चल रहा होता है। और मोबाइल में भी जो स्टोरेज में यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी वो SSD की होती है, इसलिए मोबाइल की मेमोरी बड़ी फास्ट होती है काम करने में, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपने अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे लाजमी परफॉर्म करना है।